Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. अस्सलामुअलैकुम फैमिली को व्यूअर्स, आज आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। शामी कबाब की ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप कहेंगे कि आज से पहले आपने इतने मज़ेदार शामी कबाब नहीं खाए। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि पतीले में मैंने चिकन का कीमा लेकर डाल लिया। ये कीमा जो है हमने चिकन शॉप से हाथ पे जो चौके के साथ करके देते हैं कीमा, ये हमने वो हाथ वाला कीमा करवा लिया। ये मशीन वाला नहीं है, ये दरदरा सा कीमा है, ठीक है। जितना बारीक टोके से हो सकता था ये दरदरा सा कीमा। वज़न में ये है 750 ग्राम साफ़ी, 3 पाव बिल्कुल साफ़ी इस कीमे का वज़न है। अब हमने इसको पतीली में डाल दिया, फ्लेम नीचे से ऑन कर दिया। अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका मैं इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल कर रहा हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ml वाटर, यानी 1 पाव पानी, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर, इस तरीके से मैंने मसाले जो हैं वो मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए चम्मच के साथ इस तरीके से हमने इनको मिक्स कर लिया। अब हमने फ्लेम को रखना है बिल्कुल हल्का, ठीक है, और इसको कवर करके तो हमने आधे घंटे के लिए इसको पका लेना है। आधे घंटे के बाद हम आपसे अगला स्टेप शेयर करेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है जी, अब हम इसका कवर उठा लेते हैं। कवर उठा के एक दफा इसको हम हिला लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें अभी पानी काफी सारा मौजूद है, लेकिन आधा घंटा गुजर चुका है और जिस तरीके से हमने इसको कीमे को तैयार करना था ये तैयार है। अब हम करेंगे क्या, इसको दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर देंगे और इसका जो ये पानी इसके अंदर मौजूद है ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसका पानी जो है ना हल्के फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे, दरमियाने फ्लेम पे। तकरीबन 5 से 10 मिनट और लग जाएंगे, इसको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। 10 मिनट और भी लग जाए तो ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी रहना है। इसके साथ अब दूसरे बर्नर पे हमने कढ़ाई रख ली। इसके साथ मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखें, 1 घंटा पहले मैंने चने की दाल ली थी और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। दाल का वजन जो है 1/2 किलो। इसके साथ ये मेरे पास चिकन है, चिकन ये लेग और थाई का है और बीच में कुछ विंग्स हैं, ठीक है। वजन में ये मैंने 1.5 किलो लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस टाइम कबाब बनाने थे, तो मैंने आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दी। तो ये 1.5 किलो है। आप इसको वजन को कम भी ले सकते हैं, गोश्त जो चिकन है कम मिकदार में ले सकते हैं, कीमा कम मिकदार में ले सकते हैं। मैथड यही होगा अगर आपने ज़बरदस्त किस्म का शामी कबाब खाना है। अब ये चिकन लेंगे और ये कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें दाल में शामिल कर दूंगा। दाल को जो है वो मैंने पानी से निकाल लिया है, यानी ड्रेन कर लिया है दाल को। ये देखें, ये दाल इसमें शामिल कर देंगे और इसमें भी आप कुछ मसाले डालेंगे। इसमें भी सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक हसबे जायका होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ और नमक को हम बाद में भी खुला कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 टीस्पून इसमें हल्दी और इसी तरह इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये देखें ये मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रहा हूँ बस। अभी के लिए ये मसाले फ्लेम को नीचे से ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे पानी। पानी जो है जितना मेरा मटेरियल है इसमें मैं 1/2 लीटर पानी शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने 1/2 लीटर पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दाल को चिकन के साथ मसालों के साथ। ये देखिए फ्लेम को अभी मैं हाई कर लूँगा, जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो फिर हमने फ्लेम को हल्का करके तो इसको उतनी देर तक पकाना है कि जब तक कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से नरम ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको 30 मिनट लग जाए, 40 मिनट लग जाए, लेकिन फ्लेम को आपने हल्का ही रख के तो इसको आपने गलाना है, हाई फ्लेम पर नहीं गलाना। तो ये हमने इसको हिला दिया। अब इसको उबाल आएगा तो इसको कवर कर लेंगे और जो दूसरा कीमा है उसका पानी ड्राई करके उसको भी हम एक साइड पे रख देंगे, फिर इसके बाद आपसे अगला स्टेप शेयर करेंगे। ये तो व्यूअर्स आप देखें कि इसमें उबाल आ चुका है, ठीक है, बल्कि उबाल आना शुरू हो चुके हैं। तो एक दफ़ा हम फिर इसको हिला लेंगे, उबाल आने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसको हिला लेंगे और उसके बाद हमने इसको कवर लगा के तो मुकम्मल गलने तक इसको चूल्हे पर रहने देना है, ठीक है। पानी हमने पूरा हिसाब का डाला है, इसी पानी में इंशाल्लाह दाल भी गलेगी और चिकन भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे और हल्के फ्लेम पे इसको अब गला लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, दाल और चिकन को हम गला रहे हैं, लेकिन जो इसके साथ हमने कीमे का पानी ड्राई करना था ये आप देखें कि इसका पानी हमने ड्राई कर लिया है
और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देख लें, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैंने दिखाना था ताकि ये आपको अंदाजा हो जाए। अब हमने नीचे से फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इस कीमे को इसी पतीले में छोड़ देना है ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। अब दाल और चिकन डाल दिया, फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर, सामने दाल और चिकन को बहुत अच्छा सा गला लिया, ठीक है। इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था और ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत दाल जो है हमारी बहुत साफ हो चुकी है। ये देखें हाथ लगाने से ये मेल्ट हो रही है, ठीक है। ये देखें, तो अब हमने करना क्या है कि एक दफ़ा इसको हिला लेना इस तरीके से, और जो चिकन पीसीज हैं वो हमने उठा लेने हैं और उनको हमने निकाल के सेपरेटली एक प्लेट में या एक बाउल में, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरीके से उठा लेंगे और ये इस तरीके से डालते जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर कुछ दाने दाल के भी पीसेज के साथ आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आपने इस तरीके से आराम से चिकन निकाल लेना। इस तरीके से पहले मैं चिकन निकाल लूँ, फिर मैं अगला स्टेप आपको शेयर करता हूँ। फिर चिकन सारा मैंने कढ़ाई से निकाल के सेपरेटली बाउल में रख लिया है, दाने की ये देखें। अब इसको ज़रा ठंडा होने देंगे। अब ये वापस आ जाते हैं दाल की तरफ, ठीक है। इसमें हल्का हल्का सा पानी मौजूद है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो हम एक टीस्पून भर के इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ हम जीरा शामिल करेंगे। जीरा जो है वो हमारे पास ग्राइंड किया हुआ, वो भी एक टीस्पून भर के शामिल करेंगे। काली मिर्च कुटी, ठीक है, काली मिर्च ली हम शामिल करेंगे इसमें, वो भी हम इसमें देखेंगे। मैं दो टीस्पून इसमें काली मिर्च के शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुटी हुई दरदरी सी काली मिर्च है। अब हम इन तमाम मसालों को दाल के साथ मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इस दाल को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसको, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम इसको ड्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे अगला स्टेप शेयर करता हूँ। चलिए बस ये देखें, आप दाल को मैंने बहुत अच्छा सा ड्राई कर लिया है और ये बिल्कुल हलवे की तरह बहुत थिक हो चुकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको मैश भी कर लिया है चम्मच से। अब मज़ीद इसको क्या करना है ये आपको अभी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको नीचे से फ्लेम ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद अब हमने ये देखें, ये मेरे पास सांचा है ये कुटने के लिए, ठीक है। और इसके साथ हम जो है इस तरीके से कढ़ाई के अंदर ही इसको हल्का हल्का सा ये देखें इसको मैश कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी तो ये बर्नर के ऊपर है, मैं इसको उठा के ज़रा ज़मीन पे या किसी टेबल पे रख लेता हूँ, तो ये आराम से जो है ना ये इस तरीके से हम गरम गरम इसको कर लेंगे। तो इसको पहले इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, दाल को मैंने बहुत अच्छे से घोट लिया है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ये मैश हो चुकी है। शायद ही कोई इक्का दुक्का दाने हों जो अभी मैश ना हो, लेकिन तकरीबन ओवरऑल मैंने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया, ठीक है, ये आपके सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कीमा हमने सबसे पहले आपको दिखाया था, जो हमने सेपरेटली उबाल के एक पतीले में रख लिया था, ये देखें, ठीक है। अब ये सारा कीमा इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे कीमे को दाल के अंदर। ये देखें, चम्मच से पहले करेंगे, फिर इसके बाद हम हाथ से भी कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको फिलहाल चम्मच से करेंगे इस तरीके से। ये देखें ये कितना थिक सा हमारा बन चुका है मसाला, ठीक है। यही शामी कबाब की जो असल में जो शामी कबाब होता है उसकी पहचान ये होती है कि जो उसका मसाला होता है वो बहुत थिक होता है, हार्ड सा होता है, ठीक है। सॉफ्ट मसाले से शामी कबाब जो है वो ख़राब हो जाता है और सही वो शामी कबाब भी नहीं उसको हम कह सकते। और इसका मसाला जो है ये दरदरा सा हमने रखा है, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर कर रही है। देखिए तो मैंने मिक्स कर दिया। अब हम आ जाते हैं दोबारा इधर चिकन की तरफ, जो हमने पहले निकाल के रख लिया था। अब हमने करना क्या है कि ये जितना भी चिकन है इसकी जो बोटियाँ हैं हमने बोन से अलग कर लेनी है, तो ये मैं बोटियाँ अलग करूँ, फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, चिकन जो था वो मैंने बोनलेस कर लिया है, ठीक है। हड्डियों से सारे चिकन को मैंने उतार लिया है, अब ये बोनलेस हो गया। अब हमने करना क्या है, अब मैंने ये ले लिया चॉपर, ठीक है। अब ये मैं सारा चिकन जो है इस तरह चॉपर में डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैं चॉप कर लूँ और फिर इसके बाद आपसे शेयर करता हूँ अगला स्टेप। मैंने चॉप कर लिया जी चिकन को, ये आप देख लें। अब हम ये दोबारा से बाउल ले लेंगे और जितना भी ये चिकन है ये देखें किस तरीके से ये मैंने डाल दिया दोबारा से बाउल में, ठीक है। अब इसके साथ हमने करना क्या है, अब ये जो हमारे पास मसाला पड़ा हुआ था दिखाएं जी, ये जो हमने तैयार करके रख लिया था, अब ये भी सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें ये बाउल में डाल देंगे। इस स्टेज पे आके आप नमक को चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक ज़्यादा करना हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें अपने हिसाब से नमक डाल लिया था। अब ये है कि एक चीज़ यहाँ पे और बता दें, अगर आपके पास यहाँ पे चॉपर की सहूलत ना हो तो आप जो चिकन हमने बोन से उतारा था
आप उसको कुट भी सकते हैं, कुट के भी आप इस तरीके से उसको डाल के मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि परेशान नहीं हो जाएं कि चापर नहीं है तो अब ये रेसिपी कैसे बनेगी, तो आप उसको बड़े आराम से कुट सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, किस तरीके से ये देखें, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे और आधे घंटे के बाद फिर हम शामी कबाब बनाना शुरू करेंगे और फिर फ्राई करना भी शुरू करेंगे और फिर आपके साथ वो सारा शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैंने तमाम कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, माशाल्लाह से ये हमारा जो मसाला है बड़ा दरदरा सा बना है, ठीक है। ये दरदरे मसाले के हम शामी कबाब आपको बना के दिखा रहे हैं और खाने में जो जिसका सानी नहीं है शामी कबाब में, ये शामी कबाब का जो है ना ये सरदार शामी कबाब है। ये प्रॉपर मेथड के साथ आपसे मैंने रेसिपी शेयर की है। अब इसको आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, आधे घंटे के बाद इसके कबाब बनाएंगे और फिर जो फ्राइंग का जो हमारे पास जो सीक्रेट है कि हमने फ्राई इसको कैसे करना है, ठीक है, हमने कौन सी ऐसी चीज़ डाल के इसको फ्राई करना है वो आपसे शेयर करेंगे कि वो सीक्रेट किस तरीके से फ्राई करने का जो असल तरीका वो कैसे। आधा घंटा गुजर चुका है व्यूअर्स, अब हम इसके बनाते हैं कबाब। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हम अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें और फिर उसके बाद मसाले को उठाते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये पानी लगा लेते हैं हाथ को, ये देखें इस तरीके से ज़रा सा पानी लगा लेंगे हाथ को ताकि थोड़ा सा, और जिस साइज़ का आपने कबाब बनाना है उतना आपने मसाला उठा लेना है, ठीक है। आपने छोटे साइज़ का लेना है, बड़े साइज़ का लेना है, जितने साइज़ का कबाब आपने बनाना है उतना आपने पेड़ा इसका मसाला ले लेना है, उसका पेड़ा सा बना लेना है इस तरीके से। पहले पेड़ा अच्छा सा बन गया, उसके बाद हमने इसको ये देखें गोल कर लिया, बिल्कुल जैसे रोटी का पेड़ा गोल करते हैं, और उसके बाद ये हथेली ये वाले इसको इधर से ये हम प्रेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो किनारे इसके फट जाएंगे उनको इस तरीके से हल्का सा ना ये फिर पानी लगा लेंगे हाथ को, और ये देखें इस तरीके से हम इन किनारों को जोड़ देंगे, ये देखें बहुत ज़बरदस्त। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए दिखाने के लिए कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप बहुत सीनियर हैं, बहुत समझते हैं माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा, आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं ये सिर्फ उनके लिए कि भाई उनको ये ज़रा समझ लग जाए अगर वो शामी कबाब बनाना चाहें तो ये टेक्निक इस तरीके से। अब इस तरीके से हम कबाब बना रहे हैं, जितने भी हमें ज़रूरत है हम बना लेंगे, फिर उसके बाद जो फ्राई करेंगे तो फ्राई के टाइम करने के टाइम आपको मैं एक टिप दूंगा, तो मेरे साथ रहिए। अच्छा व्यूअर्स, कबाब तकरीबन सारे बन के रेडी हो चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ज़रूरत के मुताबिक जितने आपने फ्राई करने हैं उतने आप फ्राई कर लें, बाकी कबाब जो है आप एयर टाइट बैग में डाल के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और एक लंबे टाइम तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज़ किए हुए कबाबों को आप 3 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 महीने तक भी इनका जायका बिल्कुल ज़बरदस्त रहना है। तो ये देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने एक एयर टाइट बैग लिया, ठीक है, और अब इस तरीके से ये देखें अगर हम फ्रीज करना चाहें तो हम इस तरीके से ये देखें ये कबाब इनके अंदर डाल देंगे, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा सा बीच में गैप रखना है आपने और फिर इस तरीके से डाल देंगे। बेसिक तो ये है, अगर आपके पास कोई ट्रे है तो आप उसमें पहले थोड़ा सा इनको फ्रीज़र में रख के थोड़ा सा हार्ड कर लें, अगर आपके पास ट्रे नहीं है आप इस तरह नहीं कर सकते, तो ये देखें ये अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ और इनको आप इस तरीके से हम उठा के ये देखें फ्रीज़र में रख देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल सीधे रहेंगे। पहले आपने शुरू में इनको सीधा रखना है, फिर हम इस तरीके से एक और बैग ले लेते हैं, ये सिर्फ जो मेरे नए बहन भाई बच्चे अगर वो खुद से करना चाहें बनाना चाहें, ये बिजनेस भी आप इसका कर सकते हैं बड़े आराम से, ये इसको साइड पे करते हैं। दूसरा बैग ले लिया, इसमें भी इसी तरीके से मैं कबाब रख देता हूँ, ये देखें, ठीक है। आप जब ये फ्रीज हो जाए थोड़े हार्ड हो जाए तो आप एक बैग में मैं 6 डाल रहा हूँ, आप 12 भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये डाल दिए और ये मैं पहले वाला बैग इसको आराम से उठा के इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फ्रीज़र में रख के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये होगी बात यहाँ ख़त्म, इनको करते हैं साइड पे। अब आपको दिखाते हैं कि कबाब फ्राई किस तरह करने हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालने लगा हूँ एक अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैं कह रहा था आपको टिप देंगे एक सीक्रेट देंगे फ्राई करने के लिए। अंडा डाल लिया, अब इसमें मैं डालूँगा 1 टेबल स्पून बेसन घी, ठीक है, सिर्फ 1 टेबल स्पून डालेंगे, ये देखें, और इसको आप अच्छा सा इस तरीके से बीट कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें मैंने बेसन डाल के तो अंडे के साथ इसको अच्छा सा बीट कर लिया, गुड़ भी वगैरह भी रहनी चाहिए, जब ये बीट हो जाए तो
इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दूध के, ये देखिए ठीक है। और इसके बाद आप इसको भी मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम ले लेंगे एक पैन, ये देखिए जी मैंने पैन एक ले लिया, इसको मैंने रख दिया चूल्हे पे। अब इसमें हसबे जरूरत हम घी डालेंगे जिसमें हमने कबाब फ्राई करना है। मैंने अभी सिर्फ आपको ये कबाब जो है ना फ्राई करके दिखाने हैं, बिल्कुल 2 कबाब हम फ्राई करेंगे क्योंकि अभी मैंने ज्यादा फ्राई नहीं करने। तो अब ये दिखाएं जी पैन में घी चला गया, इसको जरा सा बैलेंस कर लेंगे, पूरे पैन में घी चला गया, फ्लेम को नीचे से ऑन कर लिया। दिखाएं जी ये अंडा जो हमने फेंट के रखा, अब ये कबाब लेंगे इस तरीके से इसको डिप करेंगे ठीक है। ये देखें इसको डिप कर लिया, इसको साइड को चेंज करेंगे ताकि दूसरी तरह से भी अच्छा सा डिप हो जाए, ये देखें। और उसके बाद ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह करेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा जितना भी अंडा बेसन है उससे उतर जाए, ये देखें। अब ये इसमें डाल देंगे, फ्लेम को आप थोड़ा सा तेज कर लेंगे। अब दूसरा कबाब भी मैं इसी तरीके से दिखाएं जी, ये देखें ये दूसरा कबाब, इसकी भी मैं मैरिनेशन इसी तरह कर रहा हूँ ठीक है। ये देखें और इसको भी हम ये इस तरीके से डाल के ठीक है। अब इनको करते हैं फ्राई, मैं सिर्फ 2 कबाब डाल रहा हूँ इस टाइम क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करने, ये सिर्फ आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाने के लिए फ्राई कर रहा हूँ। तो ये 2 मिनट हम हल्की आँच एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर 2 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे ठीक है। साइड को चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा आपने एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब भी आप कबाब फ्राई करें तो आपने घी थोड़ा ज्यादा डालना है। मैंने अभी 2 कबाब सिर्फ फ्राई करने थे इसलिए मैंने घी की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। मैं आप इस तरीके से घी को थोड़ा सा पैन को तिरछा करके इस तरीके से इनको पका लूंगा, फ्राई कर लूंगा ताकि इनकी साइडें भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। तो आपने घी थोड़ा ज्यादा डालना है कि जिसमें हाफ कबाब जो है वो डिप हो जाएगी के अंदर, फिर साइड पलट के ऑन करेंगे तो हाफ उसी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने करना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मैंने रेसिपी आपसे शेयर की, ये तो आपने बताना है कि रेसिपी ज़बरदस्त थी कि नहीं थी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे एक नया समझ लें कि एनर्जी एक मिल जाती है कि मैं फिर आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज जो है वो बना के आप तक पहुँचा देता हूँ। तो ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा घुमा लेंगे, थोड़ा इधर से तिरछा करके इधर से भी इसको फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हमने एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से हमने फ्राई कर लेना है। आंच को हमने हल्का रखना है, दरमियाना रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना आपने। 2 मिनट दूसरी तरफ से भी मैंने इसको फ्राई कर लिया है, देखिए दोनों तरफ से कितना ज़बरदस्त बेहतरीन कलर आ चुका है ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे रखते हैं इसको, और उसके बाद इसको आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाता हूँ। केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ आप इनको सर्व करें, प्लेन राइस हो, चिकन पुलाव हो, उसके साथ आप इनको सर्व करें, टी टाइम में आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है ये कम्बिनेशन होता है। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ, ये देखें वाह सुभान अल्लाह, ये देखें कैसा ज़बरदस्त कबाब हमारा बन के रेडी हुआ है ठीक है। ये देखें कैसी शानदार इसके अंदर से, ये देखें माशाल्लाह, ये दड़ा सा है सारा इसका मसाला, और ये दड़ा मसाला जो होता है ना ये बहुत मज़ा करता है खाने में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मैं किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ मिलूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।